आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ एक बिल्कुल नए तरीके की रेसिपी, चना शाही कोफ्ता। इसे हम बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। कोई भी इन कोफ्तों को खाने के बाद यकीन ही नहीं करेगा कि इन्हें चने से बनाया गया है, और साथ में ये मखनी ग्रेवी काफी डिलीशियस लगती है। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें काले चने चाहिए होंगे जिन्हें हमने रात भर पानी में भिगो दिया था। इन्हें डालेंगे ब्लेंडर में, साथ में 6-7 हरी मिर्चें, 1 अदरक का पीस और पानी डाल के पीस लेंगे। 1 कप सूजी और 1 कप दही डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ी देर सूजी को फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे ढक देते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करके डालेंगे 1 टीस्पून सरसों, 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून तिल और थोड़ा सा करी पत्ता डाल के इन्हें हल्का सा सौते करने के बाद 1 प्याज मीडियम साइज की क्यूब में कट करके ऐड करेंगे। इन्हें हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाने तक पकाने के बाद इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। यहाँ हमने कलरफुल शिमला मिर्च यूज़ करी, आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। 1/4 कप क्यूब्स में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, साथ में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इन्हें हल्का सा सौते कर लेंगे। यहाँ हमने सूजी को 10 मिनट के लिए पे छोड़ा था, इसमें जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड करेंगे। साथ में नमक डालेंगे और धनिया डाल के सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून सोडा और थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल इस तरीके से रखनी है। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब बस पनियारम पैन में बैटर डाल के बहुत ही कम ऑयल में इनके अप्पम बना के तैयार कर लेने हैं। मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से उलट पलट के इन्हें गोल्डन ब्राउन जाने तक पका लेंगे। इन अप्पम को आप ऐसे ही ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है और शाम के स्नैक के लिए एक बहुत ही हेल्दी और इजी ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमें सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं, और ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी कोफ्ता बनके तैयार हुआ है। अब चलते हैं इसकी मखनी ग्रेवी बनाने के लिए। तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करके इसमें बटर डालेंगे। जाएगी इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज, 6-7 लहसुन की कलियां, 2 पीस अदरक के, 9-10 काजू के पीसेस ऐड करेंगे। इस ग्रेवी में एक रिच टेक्सचर आता है। साथ में 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक जाएगा, 4-5 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इन्हें 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक के इसे टमाटर के गल जाने तक पका लेंगे। तो ये देखिए अब अच्छे से टमाटर गल चुके हैं। थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे। फिर ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करके इन्हें पीस के स्मूथ ग्रेवी बना लेनी है। पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके जाएगा इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन्हें हल्का सा मिक्स करने के बाद जो ग्रेवी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। ग्रेवी को लगभग 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, और अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब बस जो कोफ्ते हमने बना के रखे थे वो डालेंगे, ऊपर से डालेंगे फ्रेश क्रीम और कसूरी मेथी, और बस इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चपाती, नान या इवन राइस के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। सॉफ्ट और स्पॉन्जी कोफ्तों के साथ ये शाही ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक बार ये कॉम्बिनेशन जरूर बना के ट्राई करना, आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एनएससी और रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।